आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि रम्मी सर्कल जैसा गेम बनाने में कितना खर्चा लगता है और क्या रम्मी सर्कल लीगल है, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी पे रम्मी सर्कल जैसा ऐप बनाना चाहिए, रम्मी सर्कल में मोनेटाइजेशन मॉडल क्या है, किन तरीक़ों से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रम्मी सर्कल बिल्कुल लीगल है इंडिया में, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स उसका प्रमोट करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं रम्मी सर्कल के, ठीक है। तो रम्मी सर्कल जैसा यस आप बिल्कुल ऐप बना सकते हो, ठीक है। मोनेटाइजेशन मॉडल की बात की जाए तो रम्मी सर्कल आप बहुत ही बेस्ट है अर्निंग के लिए, क्योंकि ये रियल कैश ऐप होता है, तो आप डायरेक्टली कस्टमर से पैसा ले रहे हो, स्पॉन्सर्ड ऐड के जरिए आप इसमें पैसा कमा सकते हो, आप उसमें खुद के एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो, वही सारे यूजर्स को आप अपने दूसरे गेम में डाल सकते हो, डेटा कलेक्ट करके डेटा बेच सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं मोनेटाइजेशन मॉडल के। अगर आप रम्मी सर्कल के और मोनेटाइजेशन मॉडल को जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर कि आपको कौन से टेक्नोलॉजी पर रम्मी सर्कल जैसा गेम बनवाना चाहिए। अगर तो आप नॉन टेक्निकल हो तो अगर आप मार्केट में जाओगे किसी भी डेवलपर से आप पूछोगे कि मुझे रम्मी सर्कल का ऐप बनाना है कितना खर्चा आएगा या मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी भी बनाना चाहिए, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा गेम प्ले करती है आपके खर्चे पे। अब देखो आप अगर उसको यूनिटी पे बनाओगे, यूनिटी पे बहुत अच्छा आपका गेम बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन यूनिटी के डेवलपर फाइंड करने में बहुत दिक्कत होती है किसी भी डेवलपमेंट कंपनी के लिए। मैं खुद एक डेवलपमेंट कंपनी चला रहा हूँ, मुझे भी पता है कि यूनिटी का डेवलपर फाइंड करने में कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। तो उस डेवलपर को फाइंड करने में जो कंपनी का खर्चा जा रहा है प्लस आपका जो गेम है वो उस मतलब यूनिटी पे बनेगा तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा। हालांकि यूनिटी बेस्ट टेक्नोलॉजी है, नो डाउट, तो वहाँ पर टाइम जाएगा, खर्चा आपका ज्यादा लगेगा। और आपको शायद पता होना चाहिए कि रम्मी सर्कल एक 2D गेम है, 3D गेम भी नहीं है वो, ठीक है। अब आप उसमें 3D विजुअल डाल रहे हो अलग बात है, बट 2D में बेस्ट है वो रम्मी सर्कल, आप एंड्रॉइड जावा में बना सकते हो रम्मी को, ठीक है। तो वहां यूनिटी टेक्नोलॉजी पे आपका वो गेम महंगा जाएगा। बैकएंड के लिए अगर आप PHP React मतलब PHP या फिर React.js यूज कर रहे हो तो वो थोड़ा आपको कॉस्टली जाएगा, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप रम्मी फ्लटर पे बनाइए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर रिएक्ट पे बना लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। रिएक्ट फ्लटर मैं पर्सनल ज्यादा सजेस्ट करता हूँ फ्लटर, क्योंकि फ्लटर में इतने स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव एनिमेशंस वगैरह फीचर्स दिए हुए हैं ना फ्लटर में कि आप बहुत ज्यादा अपने गेम को सजा सकते हो और कम खर्चे में हो जाएगा। एक यूनिटी डेवलपर को फाइंड करने के लिए 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन एक फ्लटर डेवलपर को फाइंड करने के लिए कम समय लगेगा। और अच्छा, एक बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी है फ्लटर, गूगल की टेक्नोलॉजी है फ्लटर, जिसपे क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि वो iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए बन जा रहा है। तो आपको यहां पे कम खर्चे में 2D गेम आपका बनके रेडी हो जाता है ना। टेक्नोलॉजी आप फ्लटर यूज कर सकते हो रम्मी गेम के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों खर्चे के ऊपर कि इसका खर्चा कितना आएगा। खर्चा बताने के पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप मार्केट में बहुत जगह पे जब आप कॉल करोगे ना बहुत सारे डेवलपमेंट कंपनी को, तो आपको कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, सब अपना अपना रेट बताते हैं, ठीक है। पर आपको सही डेवलपर चूज करना है। अब आप सही डेवलपर कैसे चूज करोगे, आप खुद से पूछो कि रम्मी गेम जिसके लिए करोड़ों खर्च किया जा रहा है मार्केटिंग में, क्या सच में वो 50,000 या 1 लाख में गेम बन जाएगा। एक बार आपको ये खुद से सोचना है, ठीक है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि वो टेम्पलेट बेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, स्टिल उस एप्लीकेशन पे आप कुछ बड़ा विजन लेके नहीं चल सकते हो। टेम्पलेट बेस यानी कि वैसे सोर्स कोड जो रम्मी गेम बना है उसके कोड मार्केट में बिक रहे हैं, उसके नहीं बट वैसे क्लोन बना के मार्केट में बिक रहे हैं, तो उसी कोड को थोड़ा बहुत रीमोडिफाई करके भाई आपके हिसाब से आपके एप्लीकेशन का नेम डाल दिया, आपके एप्लीकेशन का लोगो डाल दिया, इस हिसाब से थोड़े बहुत कस्टमाइज करके आपको वो एप्लीकेशन दे देंगे। पर उस एप्लीकेशन पे आप कुछ बड़ा नहीं सोच सकते। पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद आप जब मार्केट में लॉन्च करो उसी टाइम आप फ्लॉप भी हो जाओ, चांसेस रहते हैं। मैंने बहुत लोगों को टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बना के फेल होते हुए देखा है गेमिंग फील्ड में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। और आप खुद से भी पूछो यार, अगर आप एक रम्मी जैसा गेम बना रहे हो और रियल कैश में कमा रहे हो, ये आपको भी पता है कि अगर आपके रम्मी गेम में अगर 1,000 या 2,000 यूजर हुए तो आप इजीली 50,000 60,000 कमा सकते हो। वहां पे बॉट सिस्टम रहता है, 60-40 का रेशियो रहता है, 60% चांसेस रहते हैं कि बॉट विन होगा। और ये आपको भी पता है, अगर आपने भी रम्मी प्ले किया होगा तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि बॉट जीतेगा, आप हारोगे, वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए उसका रियल कॉस्ट अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप फ्लटर टेक्नोलॉजी में बनाते हो तो मिनिमम खर्चा 3 लाख के आसपास आता ही आता है। अगर आपको अच्छे लेवल पे लॉन्च करना है तो 3 लाख का आपको उसमें पूरा डेवलपमेंट का खर्चा आएगा। प्लस अगर उसमें टाइमिंग की बात करूं तो मिनिमम 2 से 3 महीने आप उसको टाइमिंग को दो, उसके डेवलपमेंट टाइमिंग में, जिसमें 7 से 10 दिन 15 दिन डिजाइनिंग में दो, उसके बाद आप बाकी का जो समय है वो आप उसके कोडिंग में दो, फिर बाकी का 15-20 दिन आप उसके टेस्टिंग में दो। लगभग 2 से 2.5 महीने 3 महीने का टाइम लोग गेम डेवलपमेंट में पहले ही मत हल्ला कर दो अपने फ्रेंड्स को कि हमारा गेम आ रहा है, गेम आ रहा है। लोग पूछने लगते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाओगे जल्दी देने के चक्कर में। तो बढ़िया से अपने गेम को बनाओ, रियल कैश के सिस्टम डालो, बॉट सिस्टम डालो, सही रेशियो डालो, ताकि यूजर भी आपका विन हो, उसको ट्रस्ट हो आपके। इस पेमेंट गेटवे की बात करता हूं। देखो कैश है तो यहां पे सभी पेमेंट गेटवे
अप्रूवल नहीं देते हैं। यहाँ पे कैश फ्री एक अच्छा पेमेंट गेटवे है जो आपको अप्रूवल दे देता है, जिसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाल पाओगे। अब होता क्या है ना कि रम्मी जैसा गेम जब आप बनाओगे तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे आपका डिजिटल अकाउंट ओपन होता है। वो डेवलपमेंट कंपनी आपको पेमेंट गेटवे आपका ओपन करके देगी, जो एक डिजिटल अकाउंट होता है उसी में आपका बैंक अकाउंट जुड़ता है, वहीं से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिजिटल अकाउंट सब कंपनियां नहीं खोलती। कैश फ्री एक अच्छा ब्रांड है, अच्छी वेबसाइट है जहां से आपका वो डिजिटल अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जब भी आपके गेम में जो भी अमाउंट प्ले मतलब आएगा, जो यूजर अमाउंट ऐड करेंगे वो सीधा आपके कैश फ्री अकाउंट में आएगा, वहां से आप अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हो। तो ये पूरा सिनेरियो है इस तरीके से, और इसी तरीके से वर्क होता है अगर आप कोई गेम बनाते हो 2D। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, समझ में आ गई सारी बातें और कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।